हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ मलाड़। तो आज मैंने एक चैलेंज लिए कि मैं मलाड़ तक जाऊँगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। ट्रेन में तो मुझे अलाउ करेंगे नहीं, तो ओला उबर में जा सकते हैं, बट मैंने चैलेंज किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही मैं मलाड़ तक ट्रैवल करूँगा। तो मैं अपने घर से आया हूँ एवरशाइन लास्ट गेट, और यहाँ से मैंने सुना है कि बॉम्बे साइड बहुत सारी रिक्शा जाती है, तो ट्राई करते हैं कि चलो हमें भी एक रिक्शा मिल जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करूँगा तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का चैलेंज हो जाएगा। तो चलिए, मैं रिक्शा के लिए वेट करता हूँ, होपफुली मेरे लिए रिक्शा मिल जाए। गाइस, ये है सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट और यहाँ से ही आपको रिक्शा स्टैंड है। तो ये रिक्शा स्टैंड वाले तो जाएंगे नहीं, तो यहाँ से स्टेशन की तरफ से जो रिक्शा आता है वो ही जाता है बॉम्बे की तरफ। गाइस, बेसिकली उन लोग दहीसर चेक नाका तक के 70 रुपीज़ चार्ज करते हैं, एंड दहीसर चेक नाका से मीटर स्टार्ट हो जाता है। तो ये काइंड ऑफ शेयर ऑटो भी बोल सकते हैं, क्योंकि दहीसर चेक नाका तक शहर तक जाता है एंड फिर वहाँ से आगे मीटर स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा एक मिनट के हम लोग यहाँ पे रुके, तो मैं थोड़ा शूट करने बाहर आ गया क्योंकि बारिश इतना था कि मैंने अंदर कुछ भी बहुत कम शूट किया है। तो बेसिकली ये जो है ना, ये बहुत अच्छी सर्विस है कि अगर आप ट्रेन में नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि अभी पता है कि आपका 2 वैक्सीन का हुआ नहीं है, और कुछ लोग डेली बेसिस पर ओला उबर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसे शेयर ऑटो में आप ट्रैवल कर सकते हो और काइंड ऑफ चीप भी है। तो ये मैंने एक एज अ चैलेंज लिया था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही ट्रैवल करूँगा आज स्पेशली आप लोग के लिए। तो बस अब तक तो बहुत अच्छा चल रहा है, होपफुली आगे भी अच्छा चले। तो गाइस, आपको भी ऐसे रिक्शा में ट्रैवल करना है तो आपको क्या करना है, हाईवे पे आके खड़ा हो जाना है, तो आपको हाईवे से रिक्शा मिल जाएगा। फ्रिक्वेंसी भी अच्छी, फ्रिक्वेंसी मोस्टली आपको मॉर्निंग में ही मिलेगी, क्योंकि मॉर्निंग में निकल जाते हैं और पूरा दिन मुंबई साइड भाड़ा करके रिटर्न में आते हैं। तो अगर आपको रिटर्न आना है वन डे ट्रिप, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। और अगर बात करें अवेलेबिलिटी के, तो 7 डेज आपको मिल जाएगा। ये एज़ यूजल हम लोग ट्रैफिक में अटक चुके हैं। मुंबई का ट्रैफिक मतलब कितना होता है, पिछले 15 मिनट से हम लोग यही ट्रैफिक में अटक गए हैं, पता नहीं कब खुलेगा ये ट्रैफिक। गाइस देखो, वहाँ पे भी मेट्रो वालों ने जो ब्लू बैरिकेड लगाया है, वहाँ पे भी काम खोद के रखा है। आगे भी वहाँ पे उन लोग ने, जहाँ पे जो वहाँ पे आपको दिख रहेगा, वहाँ पे भी उन लोग सब खोद के रखा है। रास्ता छोटा है और मतलब अभी मेट्रो हेडेक बन चुका है, इतना ट्रैफिक हो रहा है, क्या ही बताएं आपको। यहाँ पे मेट्रो के काम की वजह से इतना सारा चीज़ कंजेस्टेड करके रखा है, मतलब रास्ते में खड्डे हो चुके हैं और ऊपर से ट्रैफिक है, मेट्रो का काम चल रहा है, मतलब कुछ बोलते ना पब्लिक का केयर किया नहीं है यहाँ पे। और मेट्रो की वजह से रोड एक तो छोटी हो गई है, ट्रैफिक इतना है, किसी का काम छूट जाता है, क्या क्या होता है, मतलब पिछले 20 मिनट से हम लोग ट्रैफिक में थे, अभी खुला है, फिर से अटके हम लोग जस्ट बिकॉज मेट्रो का काम चल रहा है। अरे यार, तुम मेट्रो का काम करो तो थोड़ा पब्लिक का कन्वीनियंस भी तो देखो, पब्लिक भी क्या करेगा, तुम पब्लिक का भी कन्वीनियंस देखो। चलो अच्छी बात है कि मेट्रो कम समय में पहुंचाएगा, बट जब बन रहा है तभी कितना तकलीफ हो रहा है। अभी देखो, मैं फिर से बताता हूँ, हम लोग फिर से ट्रैफिक में अटक गए, 20 मिनट खड़े हुए बस, फिर से ट्रैफिक।
फाइनली मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुका हूँ और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चैलेंज था बहुत मज़ा आया। तो मैं अभी जिस काम के लिए आया हूँ मैं आपको बता तो नहीं सकता। तो चलिए मिलते एक ऐसे ही नए व्लॉग में। अभी नवरात्रि आ रही है तो अगर परमिशन मिला नवरात्रि कर सकते हैं तो आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज होगा। जैसे कि देखा आपने मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है चैलेंज। तो गाइस ऐसा अच्छा लगता है, मतलब अंकल बता रहे थे उनका स्टोरी लॉकडाउन के वजह से उन लोगों को कितना लॉस हुआ है यार। ओला उबर में आप 500-600 रुपये खराब करो, उससे अच्छा इन लोग के साथ जाओ 300 या 400 रुपये में उनको मदद करना, वो अच्छा लगता है। और वैसे भी इस कोविड की सिचुएशन में ट्रांसपोर्टेशन तो पब्लिकली ट्रेन में तो अलाउ करते नहीं है, और जो मतलब जो डेली ओला सर्विस पे अफोर्ड नहीं कर सकते उसके लिए बेस्ट तरीका है। और चलिए मिलते हैं ऐसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।